गायत्री परिवार का एक ये मंदिर है, रीवा शहर में पड़ता है, झिरिया में है, और यहाँ कराटे ताइक्वांडो की क्लास चल रही है। और क्लास चलाने के लिए एक महिला टीचर हैं जिनका नाम दीक्षा गोस्वामी है। और दीक्षा जी के बारे में बताना चाहेंगे कि दीक्षा जी जिले भर में कई ऐसी क्लासेस चलाती हैं और उनका ये सपना है कि हम ऐसी क्लासेस चलाती रहेंगे जिससे कि जो महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के बारे में मैं प्रॉपर जानकारी दे सकूँ। अभी हमारे साथ दीक्षा जी हैं यहाँ पर, और ये सब बच्चियाँ हैं, देखिए ये सब बच्चियाँ अभी क्लास कर रही हैं, सीख रही हैं और अपने आप को मजबूत कर रही हैं। और आपको भी पता है कि मजबूती की जरूरत है आजकल, आज बच्चियों को मजबूत होना जरूरी है और सेल्फ डिफेंस की बहुत आवश्यकता है। दीक्षा हमारे साथ है, हम दीक्षा से पूछेंगे। आपका मेरा ये सपना है कि जो भी हम अखबार या न्यूज चैनलों में दिखाई जाती हैं जो खबरें महिलाओं और बच्चियों के साथ इतने आए दिन अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, तो अगर हम महिलाएं या बच्चियां खुद ही आत्मरक्षा हेतु आत्मनिर्भर होंगी तो वो अपनी सुरक्षा खुद ही कर सकें, क्योंकि पुलिस प्रशासन या कोई भी संगठन एनजीओ उस वक्त हमेशा हमारे बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ हर जगह हम लोग उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो यदि बच्चियां खुद ही आत्मरक्षा है तो आत्मनिर्भर होंगी तो वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकेंगी, और साथ ही अगर कभी विपरीत कोई परिस्थिति पड़ती है तो दूसरों की मदद भी कर सकेंगी। ठीक है, आप अभी भी देख रहे हैं कि शहर ही नहीं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कहीं ना कहीं महिलाएं अभी भी असुरक्षित हैं। आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती हैं, छेड़खानी हो गया, बलात्कार हो गया, इस तरह की कई ऐसी घटनाएं हैं जो प्रदेश और देश स्तर में बड़े बड़े स्तर पर हो रही हैं। और इससे निपटने के लिए ठीक है प्रशासन पूरी मदद करता है, FIR हो जाती है, तत्काल पुलिस आ जाती है, एक अच्छी टीम बना दी गई है पुलिस की कि ऐसी घटनाएँ जहाँ होती हैं महिला की सुरक्षा के लिए वो टीम जल्दी पहुँचती है। उसके बाद भी अगर महिलाओं के अंदर खुद में अगर कंट्रोल रहेगा, खुल के अंदर ऐसी सेफ्टी रहेगी, वो ऐसे सेल्फ डिफेंस के बारे में जानेंगी, उसको सीखती रहेंगी, तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो पाएंगी। अभी हमारे साथ आपका नाम अंकिता पांडे जी, अभी एडवोकेट का चुनाव लड़ी थी संघ का और आप जीत कर भी आई हैं, जी निर्वाचित हैं जी। अच्छा, आप भी एक गोल्ड लेडी हैं, कहीं ना कहीं आपके अच्छे भाषण होते हैं और कई मंचों को आप संबोधित करती हैं, इनके लिए क्या कहेंगे? आने वाले समय में इस समाज में बहुत आवश्यकता है कि जो छात्राएं हैं, जो महिलाएं हैं, वो आत्मनिर्भर बने। तो हमारा ये कदम एक कदम जिसे हम कह सकते हैं आत्मनिर्भरता की ओर है, निडरता की ओर है कि आने वाले समय में हमारी जो बालिकाएं हैं वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से पुष्ट हो सके। इसलिए मानसिक रूप से उन्हें ऐसे बौद्धिक क्षमताएँ का विकास करने के लिए हम उन्हें ऐसे अपने ही जो हमारा मूल धरोहर है, मूल संस्कृति है, उससे परिचित कराते हैं। तो हमारी जो ये क्लास भी हो रही है दीक्षा जी के माध्यम से, उसका उद्देश्य है कि हम शारीरिक रूप से भी मजबूत हों, और जो आज हमारा कार्यक्रम उद्घाटन का हुआ उसका उद्देश्य भी यह है कि वो मानसिक रूप से भी उस दिशा में कार्य करें जो आगे चल के हम इस समाज के लिए बहुत अच्छे रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने सुना इनके विचार, इनके बहुत ही अच्छे विचार हैं, और आपको बताना चाहेंगे कि जैसे पुलिस विभाग को भी चाहिए, और जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग इस एक्टिविटी को देखे हैं, अभी ये एक छोटी बच्ची है, इसने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है, ये कहीं ना कहीं जा करके एक बड़ी लीडर बनेगी और ये लीड करेगी ऐसी महिलाओं को जो सेल्फ डिफेंस सीखना चाहती हैं। सेल्फ डिफेंस आपको अपने बच्चों को भी सिखाना है, और महिलाओं और जो भी आपकी बच्चियां हैं उसकी आप सिक्योरिटी नहीं कर सकते हैं। आप कितने दिन किसी बच्ची के पीछे पीछे अपने सूत्र लगाएंगे, आप उसके पीछे जाएंगे, लेकिन अगर आपने उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया है तो उसका अच्छा एक पॉजिटिव है, एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और वो कहीं ना कहीं खुद में एक सुरक्षित और अपने आप को मजबूत सब मानेंगी और कहीं भी वो खुल करके जा सकती हैं। अभी बहुत सारी भी अनुमति है, कुछ लड़कियाँ रात में जैसे लेट आती हैं तो उनके पिता माता बिल्कुल विचलित होते हैं, क्या कहेंगे उसमें? उसमें ये कहना चाहेंगे कि आप परेशान होने की बजाय आप अपनी बच्चियों को इतना सक्षम बनाइए कि कोई भी उनके ऊपर गलत नज़र से देखे नहीं, या उनके ऊपर कुछ गलत हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सके। अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो उसका डटकर मुकाबला करें, विरोध कर सकें, इस लायक आप अपनी बच्चियों को बनाइए। दीक्षा जैसी बहुत सारी ऐसी बालिकाएं होंगी जो इस ओर आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होंगी, सोच भी रही होंगी और कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस के बारे में भी अच्छा जानकारी रखती हैं, ऐसी महिलाओं के लिए क्या चाहती हैं कि प्रशासन कुछ अपने स्तर पे इनके लिए करना चाहिए, समाज को इनके लिए कुछ करना चाहिए क्या? एक हमारा समाज में देखिए महिलाओं के लिए कार्यक्रम तो किए जा रहे हैं, कई ऐसी योजनाएं भी हैं, कानून भी आज हमारे पक्ष में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम जागरूक हों। यदि हम जागरूक नहीं होंगे तो प्रशासन या न्याय व्यवस्था कितनी भी मजबूत होगी हमारे लिए वो किसी भी काम की नहीं होगी। इसीलिए हमारा उद्देश्य है कि हम जो इस प्रशासन जो कार्य करता है महिलाओं के लिए जगह जगह पर, कानून ने जो हमें सहायता दे रखी है वो हम इस उद्देश्य में कार्य करें कि हम जागरूक हों, हम सक्षम हों, उसके बाद हम उन चीज़ों का उपयोग करें, तो निस्संदेह फिर जो घटनाएँ घट रही हैं वो मुझे नहीं लगता कि आगे चल के घट सकती हैं।
आप सीखने आती हैं? जी। क्यों सीख रही हैं? ये एक मतलब हम अपने सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं और इससे हमारा जो शरीर रहता है वो भी मजबूत बनता है और मानसिक रूप से भी हम लोग मतलब स्वस्थ रहते हैं। अच्छा, क्या मम्मी पापा आपके सहयोग करते हैं आप सीखने आती हैं तो? जी बिल्कुल करते हैं। और भी बहुत सारी बच्चियां हैं हमारे साथ, आप लोग सीख रहे हैं? यस सर। सीखते हैं हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सीखते हैं ताकि अगर कोई बाय चांस अटैक करता है तो अपनी सेफ्टी के लिए। देखिए बच्चियां हैं ये भी समझदार हैं कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं आपके कंधों पे बोझ अपना नहीं रखना चाहती, या कि कहने का तात्पर्य है कि किसी का बोझ नहीं बनना चाहती है, खुद में मजबूत होना चाहती हैं। इसलिए देखिए बच्चियां हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? मेरा इस साल फर्स्ट ईयर है। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हैं और भी छोटी छोटी बच्चियां हैं, आप देखिए ये सब कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस सीखना चाहती हैं, ये किसी के सुरक्षा की इनको जरूरत ना पड़े। हालांकि प्रशासन कई तरह की सुरक्षा मुहैया करा रहा है, लेकिन अगर ये नारी खुद में अगर मजबूत होंगी तो कहीं भी आ जा सकती हैं। रात में अगर हॉस्पिटल की जरूरत हुई, कहीं आपकी कोचिंग से लौट रही हैं तो अपने आप को मजबूत, अपनी सुरक्षा वो स्वयं कर सकती हैं। कर सकती हैं। आप लोग भी सीख रही हैं, आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन था। सर शुरुआत में भी हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना शुरू किया था, फिर बाद में हमें पता चला कि ये एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो हम इसमें अपने देश के लिए भी खेल सकते हैं और अपना करियर भी बना सकते हैं। तो हम लोग का आगे का यही प्लान है कि हम लोग नेशनल लेवल पे टाइक्वांडो को लेके जाएं। अच्छा, बात करियर की है, आपने बताया कि करियर भी इसमें बनाया जा सकता है, स्पोर्ट में ये आता है, तो अभी कई महीनों से और कई सालों से ये चल रहा है। अभी हमारे साथ अभी यहाँ पे राज तिवारी जी, भोला जी हैं, और मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है आप इनके लिए कितना जरूरी है सेल्फ डिफेंस? देखिए ये सेल्फ डिफेंस मतलब आत्मरक्षा, और इसके साथ हम कह सकते हैं कि अपना आत्मसम्मान भी, और इसके लिए लड़कियों को तैयार होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि समाज में सभी लोग बुरे हैं, ऐसा नहीं है, पर कहीं ना कहीं समाज की मानसिकता कुछ हद तक कुछ लोगों के द्वारा दूषित तो हुई है, और माँ बाप हर समय बच्चों के साथ उपलब्ध नहीं रह सकते, यहाँ तक कि चाहे पुलिस की मदद हो वो भी घटना घटने के बाद ही पहुँचेगी ना। तो अगर हमारी बच्चियाँ ये मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो या कराते ऐसी विधाएँ सीख करके थोड़ा मजबूत बनती हैं तो उससे ये बहुत हद तक अपराध पर अंकुश पाया जा सकता है। और चूंकि ये स्पोर्ट में है, एक बहुत अच्छा खेल है मार्शल आर्ट, तो इसमें समय समय पे इनके बेल्ट एग्जाम होंगे, प्रतियोगिताएं होंगी जिसमें मेडल अर्जित करेंगे, और अब तो शासन की तरफ से स्कीम भी है कि जो बच्चियां नेशनल या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेके आती हैं तो सरकारी जो नौकरियां हैं उन पे इनको अच्छा खासा आरक्षण भी मिलता है। अब तो कई सालों से सिखाते चले आ रहे हैं, कुछ सक्सेस हुई हैं लड़कियां लड़के और कहां तक पहुंचे हैं कुछ बताएं? जी हमारे जैसे बच्चियां भी हैं और बच्चे भी हैं, तो कुछ बच्चे रेलवे में गए हैं, कुछ आर्मी में हैं, कुछ तैयारी कर भी रहे हैं, ऐसी जो शासकीय सेवाएँ हैं तो उनमें ये निरंतर अपनी मतलब कंपटीशन में जाते हैं और वहाँ पर इनको कामयाबी भी मिल रही है, और ये खुशी की बात है कि हमारे बच्चे अब शासनिक और प्रशासनिक सेवाओं में अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। क्योंकि तादाद अभी कम है बच्चियों की, कहीं ना कहीं पेरेंट्स हो सकता है भेज ना रहे हों, या कि उनकी भी ये मानसिकता बनाया हो कि ताइक्वांडो सीखने के बाद हमारी बच्चियां अब फाइट करेंगी कि अब घर में रहेंगी चूल्हा बर्तन, तो कुछ है संदेश उनके लिए? देखिए अगर कहा जाए, जैसे अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है तो ये पूरे 9 दिन हम लोग शक्ति की उपासना करते हैं, मतलब नारी स्वरूपी देवी की उपासना करते हैं, तो हमारा समाज अभी भी औरतों के प्रति जो है उनको घर में रखना सब कुछ ठीक है, पूजा करेंगे सम्मान देंगे सब कुछ है, पर उनको कुछ ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं दिलाना चाहते जिससे वो घर से बाहर रहें। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्वीकार नहीं करते कि लड़कियां हमसे मजबूत हों या वो किसी भी फील्ड में बहुत बेहतर करें, तो कुछ तो ये मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी लोगों को, और उनको अवसर देने पड़ेंगे कि हमारी बच्चियाँ जब घर से निकल के और फाइट करेंगी तभी वो अपने आप को साबित भी कर सकेंगी, नहीं तो उनकी प्रतिभा उनके अंदर ही रह जानी है। तो जी बिल्कुल, अभी आपने सुना भोला जी को, और आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी मानसिकता से आप लोग निकलिए, बाहर निकलिए, और आपके जो भी बच्चियाँ हैं उनका सहयोग करिए और अपनी बच्चियों को ताइक्वांडो सिखाइए या कि जो विधा हो, क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस कर सकें, सेल्फ डिफेंस का सीख सकें, और स्पोर्ट कोटा में भी बहुत अच्छा स्थान है इस ताइक्वांडो का, और हो सके तो जैसे आप जैसे अंकिता जी हैं, अंकिता जी बड़े बड़े मंचों में जाकर के अपने उद्बोधन के जरिए माताओं को बहनों को सबको जागृत करती हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में बताती हैं, और दीक्षा जी हैं जो आप देख ही रहे हैं कि अभी अपनी ताइक्वांडो क्लास चला रही हैं,
और आज से नहीं, ये कई वर्षों से चला रही हैं और कई जगह भी ये चला चुकी हैं और इनकी बहुत सारी सिखाई हुई कई प्रशिक्षित बच्चियाँ हैं जो अलग अलग जगहों पर भी वो भी सिखा रही हैं। तो अगर हो सके तो ऐसी लड़कियों का आप सपोर्ट करिए ताकि ये आगे चल करके अपने जैसे 10 और अगर खड़ा कर दी तो रीवा शहर के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा और कहीं ना कहीं प्रशासन को भी जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिन भर सोचना पड़ता है, अपना माथा फोड़ना पड़ता है, तो वो छोड़ देंगे वो सब करना, बहुत ज़्यादा उनको राहत मिलेगी। तो ऐसी बच्चियों का सपोर्ट करिए और उन माता पिता से भी है कि अपनी बच्चियों को यहाँ भेजें क्लास में ताकि वो सेल्फ डिफेंस सीख सकें। मिशन रिपोर्टेज के लिए मैं राज पांडे, जय हिंद जय भारत।